हेलो व्यूअर्स, कई दिन बाद आज आप लोगों से पुनः भेंट हो रही है और मैं आपको एक नया वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार से ये कमेंट्स आए हैं, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए हैं और उन्होंने एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हमारा या हमारे किसी रिलेटिव का, फैमिली मेम्बर का कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाए या वो इंजर्ड हो जाए, इंजर्ड में परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी आ जाए, तो हमको कंपनसेशन किस तरह मिलेगा, वो कंपनसेशन हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसका देखिएगा। वैसे तो सिंपल जो आंसर है वो ये है कि यदि आपने अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है किसी कंपनी से, तो और उसका प्रीमियम आपने समय से जमा किया है, और प्रीमियम से मतलब है किस्तें जो पेमेंट की जाती हैं, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया है, कोई कंडीशन का वॉयलेशन नहीं किया है, विद इन ए टाइम पीरियड, अगर मान लिया 30 दिन का समय है तो 30 दिन में, 60 दिन का समय है तो 60 दिन में, और अगर 90 डेज़ का समय है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपना जो क्लेम का फॉर्म है वो भरकर इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया है, तो उसके बाद में एक संभावना बनती है कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी पूछना है मुझसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा इंश्योरेंस भी ना हो और हमें क्लेम भी मिल जाए। तो देखिएगा, वैसे तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो प्रीमियम देने के बाद भी कोशिश ये करती हैं कि इसका क्लेम का भुगतान ना करना पड़े और कुछ ना कुछ इस तरह की बात इसमें आ जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस का वॉयलेशन हो जाए कि हमें डिपेंडेंट को जो क्लेम की धनराशि है वो ना देनी पड़े। अब देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में एक वाइड नेटवर्क रखती है, उनके अपने पैनल एडवोकेट्स होते हैं जो कि यदि आप उनके उनके साथ में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो वो एकदम से उनकी तरफ से रिप्रेजेंट होने के लिए तैयार हैं, आपका समय पैसा सब लगता है, और चूंकि प्रीमियम जनरली होता भी ये है कि जो मान लिया डेथ हो गई है अगर एक्सीडेंटल केस में, तो जो प्रीमियम देने वाला है उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसके बाद में बचते हैं उसकी वाइफ, मदर, फादर और उसके बच्चे, तो उन लोगों को कई बार तो पता भी नहीं होता, और कई बार वो लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते, तो इस वजह से भी क्लेम रेप्यूडेट हो जाते हैं, समय सीमा में दाखिल नहीं हो पाते और उनकी क्लेम की धनराशि नहीं मिल पाती, और इसी तरह से इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है। लेकिन जैसे कि मेरे इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के भी हमको क्लेम मिले, तो देखिएगा मेरा आंसर ये है कि यस, ऐसा भी हो सकता है, और चार कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि आपको बिना इंश्योरेंस कराए भी पैसा मिल सकता है, अगर पर्सनल एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसको डिसेबलमेंट हो जाता है परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर, जितना उसका दवाइयों का खर्चा है वो सब उसको उस क्लेम में प्राप्त होगा। तो उसके चार तरीके मैंने आपको बताए हैं कि हो सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कोर्ट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएं और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दाखिल करें क्लेम प्राप्त करने के लिए, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसके व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ है, और वो व्यक्ति या वो
पर्सन जो कि उस व्हीकल का ओनर है वो आपको इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा। एक तरीका तो ये है कि आप जाएं और अपना एक मुकदमा दाखिल करें, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी धनराशि आपको प्राप्त होगी क्लेम की। वो डिपेंड करती है मोस्टली जो डेथ हुई है जिस पर्सन की या जिसको पर्सनल इंजरीज आई हैं, बॉडली इंजरीज आई हैं, चाहे टेम्प्रेरी नेचर की हैं चाहे परमानेंट नेचर की हैं, उसकी अपनी अर्निंग जो थी वो कितनी थी, वो अपनी जितनी इनकम प्रूव कर देता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको कंपनसेशन कोर्ट रे मतलब कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल प्रदान करता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, मतलब आप एक बिजनेसमैन हैं, या सेल टैक्स को बदलकर वैट उसका नाम कर दिया गया है कि वैट के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं, तो ट्रेडर को मतलब जो जिसकी डेथ हो चुकी है उस ट्रेडर के जो डिपेंडेंट हैं मतलब उसकी वाइफ या उसके बच्चे, उनको 5 लाख रुपए तक का बीमे की धनराशि प्राप्त हो सकती है डिपार्टमेंट से। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका बैंक में कोई अकाउंट है और आप बैंक के अकाउंट धारक हैं, उससे आपने एटीएम लिया है या रुपये कार्ड लिया है और वो आप एटीएम चलाते हैं, तो आपको बिना इंश्योरेंस कराए 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिल सकता है उस बैंक से जिसमें कि आपका खाता संचालित हो रहा है, या आप एटीएम चला रहे हैं या रुपये कार्ड चला रहे हैं। एक कंडीशन और है कि आप यूपी यूपी के रेजिडेंट हैं और आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का बीमे की धनराशि, 5 लाख रुपए तक का क्लेम गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से मिल सकता है। पॉलिसी है किसान सर्वहित एवं बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त हो सकती है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो ये चार कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं जिसमें कि बिना इंश्योरेंस कराए, बिना प्रीमियम की कोई एक किस्त दिए, आपको इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो सकता है, क्लेम का पैसा प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि इंश्योरेंस कंपनीज तो प्रीमियम जमा करने के बाद भी, एक पॉलिसी इशू करने के बाद भी कोशिश ये करती हैं कि क्लेमेंट को पैसा ना दिया जाए। अब यहाँ भी क्या है, इन चारों कंडीशंस में किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी को ही आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेमेंट देना है या किसी पर्सन को देना है, तो उनसे पैसा लेना अपने आप में बहुत टफ है, टेक्निकल है। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी टेक्निकल पॉइंट पर जाकर आपको इस तरह से उलझा दें कि आपका क्लेम रिप्यूडेट हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप बहुत ही कोशिशली अपना केस तैयार करें और उसको किसी एक कुशल स्किल्ड लीगल एडवाइज़र कि देखरेख में अपने मुकदमे को चलाएं, या स्वयं चलाएं, या आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये मेरा वादा है कि इन चारों कंडीशंस में बिना इंश्योरेंस कराए भी आपको धनराशि मिल सकती है। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज या तो अपनी आपकी पॉलिसीज़ की टर्म्स का वॉयलेशन बताती हैं कि हमको हमसे तो उसने झूठ बोला था, क्लेम जो मांग रहा है उसके मृतक ने या उसने स्वयं, और हमसे तो उसने फोर्जरी करके ये क्लेम ये जो है बीमा प्राप्त कर लिया है, और इसलिए हम आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे, या आपको तो इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म जमा करने की डेट निकल चुकी है, आपको तो 1 महीने के अंदर अंदर आना था और आपका क्लेम जो है इस आधार पर खारिज किया जाता है। मैंने नंबर ऑफ़ केसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें कि मेरे पास जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट उठाकर क्लेम को रेपुडेट कर देती है, और मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं अपने पास आने वाले जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनकी सहायता करूं और उन्हें क्लेम का पैसा उनका दिलवाऊं।
तो अगर आपका कोई इस तरह का मैटर है जो कि टेक्निकल पॉइंट पर जाकर हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो आप, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट लिखकर मुझसे इसके अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं, या मुझसे जो है आप फ़ोन पर, मेरे मोबाइल पर रिंग करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरी एडवाइस दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो विक्टिम है, मतलब उस व्यक्ति को, उसके क्लेम की धनराशि अवश्य प्राप्त हो। अब ये जो मैंने आपको चार कंडीशंस बताई हैं, कि सबसे पहली कंडीशंस है कोर्ट में क्लेम दाखिल करना, दूसरा है वैट का जो रजिस्टर्ड को ट्रेडर है, तीसरा है बैंक अकाउंट धारक है। 90% लोग आज बैंक अकाउंट धारक हैं, एटीएम चलाते हैं, रुपया कार्ड रखते हैं, या फिर कोई जनरल रेजिडेंट है यूपी का, तो उसे गवर्नमेंट से क्लेम की धनराशि प्राप्त हो। तो अगर इसमें अब मैं ये जो वीडियोस हैं, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट सेपरेट वीडियोस दूंगा अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंश्योरेंस बिना कराए क्लेम की धनराशि कैसे प्राप्त करें। तो उसमें मैं, नेक्स्ट वीडियो मेरे जल्दी आएंगे, मतलब मैक्सिमम 2 या 3 डेज़ के इंटरवल्स पे ही आएंगे, जिसमें मैं एक वीडियो में पूरी एक ही बात डिस्कस करूँगा कि कोर्ट से क्लेम कैसे प्राप्त करें, या वैट का जो वेब ट्रेडर है वो किस तरह से क्लेम प्राप्त करे, बैंक का खाता धारक किस तरह से अपने क्लेम की धनराशि प्राप्त कर सकता है, या उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट किस तरह से गवर्नमेंट से अपने 5 लाख रुपए बीमे के प्राप्त कर सकता है यदि उसकी पर्सनल एक्सीडेंट में कोई डेथ हो गई है या इंजर्ड हो गया है। तो वैसे तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वे अलग अलग तरह की पॉलिसीज चलाती हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ बीमा योजना, LIC, इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना, इसके अलावा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि प्रीमियम की धनराशियाँ जमा होती हैं, हालांकि बहुत नॉमिनल है लेकिन होती तो हैं, लेकिन बिना प्रीमियम जमा कराए भी आप इंश्योरेंस इन कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस पर और मुझसे अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई केस चल रहा है या कोई मामला है तो उसे डिस्कस कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम एंड आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।